बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसपी हेड क्वार्टर रहीम हुसैन से प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद दाऊद खान से डॉक्टर अनीला डीएसपी अनीला नाज साहब और डॉक्टर नाजुल्ला खान साहब और डॉक्टर निज़ाम साहब माय ऑल सीनियर एंड जूनियर कोलीग्स अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे रियली आज बहुत खुशी हो रही है। अभी जो प्रोफेसर दाऊद साहब आए और वो बहुत खुश हुए और रियली इनकरेजमेंट भी थी मेरे लिए कि इस तरह के कोऑर्डिनेशंस और डिपार्टमेंट के साथ होने चाहिए। और मतलब सिर्फ अगर हम ऑफ्थाल्मोलॉजी में सिर्फ ये ऑफ्थाल्मोलॉजी में रहें तो इसके साथ हम लिमिटेड हो जाएंगे। तो कम से कम और डिपार्टमेंट के साथ, जिस तरह इसने एक और एग्जांपल भी दी कि सारे काम जो हैं पुलिस को हम सौंप देते हैं, जो भी काम हो बस ये पुलिस का है, जो भी काम हो पुलिस का है, जो कैश ऑन अवेयरनेस ये भी पुलिस का काम है, ये पुलिस के साथ साथ हमारा भी काम है, हमारा ऑफ्थाल्मोलॉजी हॉस्पिटल है। ये जो प्रोग्राम आज अरेंज हुआ है वो आसिफ साहब जो हैं एजुकेशनल विंग ऑफ ट्रैफिक पुलिस, उसने बहुत मेहनत की है, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन रखी कि हम इस तरह के पहले भी इसने प्रोग्राम किए हैं इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल में कि कुछ इस तरह का प्रोग्राम करें कि उसके साथ अवेयरनेस हो जाए कि लोग जो ड्राइविंग करते हैं वो सेफ ड्राइविंग करें और उसके अवेयरनेस हो जाए, विलिंगली वो एक्सेप्ट करें ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशन। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि रूल्स एंड रेगुलेशन में कोई गवर्नमेंट का फ़ायदा है या पुलिस का फ़ायदा है, बल्कि ये फ़ायदा भी हमारा ही है। मतलब जो ड्राइविंग करते हैं और जो लोग मतलब आम पब्लिक हैं, वो सब का फ़ायदा है। तो मुझे जो मोटिवेशन मिली कि जब उसने मुझे कहा कि इस तरह का प्रोग्राम करते हैं, तो मुझे मोटिवेशन इस तरह मिली है कि मैंने बहुत सारे केसेस देखे, मैं खुद क्लिनिशियन हूँ, बहुत सारे पेशेंट आते हैं। मुझे एक पेशेंट आया और वो दोनों आंखें जो थे वो बिल्कुल उसके ब्लाइंड थे, आंखें बिल्कुल ठीक थे लेकिन ट्रामा की वजह से उसकी जो रग्स हैं पीछे ऑप्टिक नर्व वो डैमेज थे और वो दोनों आईज में NPL था। एंड ही वॉज ए वेरी यंग मैन। तो जब मैंने उससे स्टोरी पूछा कि आपको किस तरह ये हुआ है, इधर एक जख्म लगा हुआ था बड़ा सा और दूसरा, तो वो बहुत ही मायूस और वो था, वो कह रहे थे कि हम मोटरसाइकिल पे जा रहे थे और बदकिस्मती से मैंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था और हम ट्रक के साथ लगे, साइड से लगे हैं, फ्रंट टू फ्रंट नहीं, साइड से लगे हैं और हम गिर गए और मेरा हेड जो है वो लग गया और आज मैं ब्लाइंड हूँ और मैं बहुत ही दूर, पता नहीं जगह बता रहा था कि उधर से आया हूँ और बहुत ही होप से आया हूँ और डॉक्टर साहब आप हमारा इलाज ज़रूर करेंगे। मैंने कहा कि बस ठीक है, जिस तरह अल्लाह की मर्ज़ी होगी मैं कोशिश करूँगा। तो जब मैंने चेकअप किया तो वो तो बिल्कुल ब्लाइंड था, NPL था दोनों आईज में, मुझे तो पता चला कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो मैंने उसे, उसके अटेंडेंट ने मुझे बताया कि वो बहुत एग्रेसिव है, आप थोड़ा सा इस तरह करें कि डॉक्टर साहब आप इसको थोड़ा सा हौसला दें कि कोई दवाई देते हैं, कुछ करें। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसे मेडिसिन लिख दिए, मल्टीविटामिन्स और लुब्रिकेंट इस तरह की चीज़ें, और मैंने उसे कहा कि एक महीने में थोड़ा सा लाइट आ जाए आईज में तो मैं इसकी सर्जरी करूँगा। तो वो बहुत खुश हुआ, वो बंदा चला गया, एक महीने बाद एग्जैक्टली वो पैरा आ गया और उसने कहा कि डॉक्टर साहब आज मैं जो आया हूँ, आज मैं इधर या मरूंगा या आप मेरे आईज का इलाज करेंगे, क्योंकि मैं इस तरह जीना नहीं चाहता और मुझे ज़रूरत ही नहीं है इस तरह ज़िंदगी की, मैंने तो इस तरह ज़िंदगी गुजारी है। और इस तरह बहुत ही मतलब सही जवान था कि मैं बग़ैर आईज के मैंने एक एक दिन शुमार किया है और एक महीना मैंने वेट किया है, आपने मुझे एक महीना दिया था। तो मैं बहुत ही टेंशन में आ गया, मैंने कहा कि अब मैं इसको क्या जवाब दूँ, ये तो बहुत ही, तो हमने बहुत ही कलेक्टिवली कोशिश करके उस पेशेंट को तो भिजवा दिया लेकिन मुझे काफ़ी चेंज किया और मुझे ये एहसास दिला दिया कि देखिए हेलमेट कितना ज़रूरी है,
एक हेलमेट की वजह से। और मेरा 90-95% ट्रस्ट था इस पे। वो खुद भी कह रहा था कि अगर मैं हेलमेट पहनता तो शायद मेरा सर इस तरह ना लगता। और ये बिल्कुल कंफर्म था, अगर वो हेलमेट लगा देता तो ये श्योर था कि मतलब बाकी काम तो अल्लाह के हैं लेकिन 90% वो हिफाजत में होता। तो एक चीज़ तो यह है कि ये अवेयरनेस हो जाए कि जो टू व्हीलर ड्राइवर है, मोटरसाइकिल जो है, वो तो कम से कम दोनों बंदे जो उस पर ड्राइव करते हैं, यानी अगर वो 15 किलोमीटर पर आवर, यानी 15 किलोमीटर पर आवर के साथ अगर वो हिट कर जाएं किसी चीज़ से, 15 किलोमीटर क्या होता है, लोग तो 60-60, 100-100 किलोमीटर पे जा रहे हैं, और हेलमेट ना हो और उसका हेड लग जाए तो अक्सर तो उससे डेथ हो जाती है। अगर डेथ नहीं तो विजन चली जाती है। और हमारा तो आई हॉस्पिटल और हम एज ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट तो अपने आई की बात करते हैं कि विजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इस प्रोग्राम का जो इम्पॉर्टेंट वो था रेशनेल, वो ये था कि वो लोग जो ड्राइविंग करते हैं, अभी प्रोफेसर दाऊद साहब ने ये और बात भी की कि एक मोटरसाइकिल पे 3 बच्चे भी आगे बैठा देते हैं, खुद भी हेलमेट नहीं होता, बीवी भी पीछे होती है, बिल्कुल अक्सर आप लोग देखते भी हैं 5-6 लोग बैठे होते हैं, किसी का भी हेलमेट नहीं होता, अगर थोड़ा सा भी हिल गया तो बस। तो ये तो एक तो ये चीज़ है कि इसका अवेयरनेस होना चाहिए कि बच्चे को मोटरसाइकिल के आगे नहीं बैठाना। इवन हम ये मैंने काफ़ी कंट्रीज देखे हैं, दुबई में मेरा साथ फैमिली थी तो मैंने ड्राइवर को कहा कि ये बच्चा खैर है मेरे साथ हो मेरे गोद में, छोटा था बिल्कुल, उसने कहा कि नो मुझे मुखालिफा देंगे, वो मुखालिफा इसको बोलते हैं, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है, बच्चा पीछे होगा, खैर है फिर बेल्ट ना लगाएं, लेकिन फ्रंट पे होगा तो बेल्ट लगाएंगे। तो दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बेल्ट भी है कि बेल्ट अगर आप लगाएं तो आपका फेस आगे नहीं लगेगा। अभी एक पेशेंट मेरे पास आया था, बेल्ट नहीं लगाया था, उसके दोनों आईज जो थे, वो शायद अफगानिस्तान से आया हुआ था, दोनों आईज जो थे उसके एक आई में थोड़ी सी विजन थी काउंटिंग फिंगर, और एक आई बिल्कुल लास्ट थी। मैंने कहा किस तरह, उसने कहा कि बिल्कुल फ्रंट टू फ्रंट लग गया और सीधा शीशे पे आ गया और मेरे आईज लग गए। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि वो लोग जो ड्राइविंग करते हैं उसकी विजन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम इस चीज़ पे बहुत कम तवज्जो देते हैं, लोग सही देखते नहीं है, थोड़ी सी तरीकी हो जाए तो फिर उसको नज़र नहीं आता। वो ठीक है कि अपने लिए डेंजरस है लेकिन और लोगों के लिए कितना डेंजरस है, अगर फॉर एग्जाम्पल एक मोटरसाइकिल भी आए किसी चीज़ पे आ गया, मतलब मोटरसाइकिल एक कोस्टर के या किसी फ्लाइंग कोच के आगे आ गया तो फ्लाइंग कोच भी उलट जाता है। तो मतलब ये है, और ये ट्रक ड्राइवर अक्सर आते हैं, मैं खुद देखता हूँ पेशेंट कि वो कह रहे हैं कि हम तो रात को ड्राइविंग करते हैं डॉक्टर साहब, हम बस बिल्कुल ये आईज मेरे देखें, वो आईज बिल्कुल ड्राई होते हैं, और वो कहते हैं कि रात गुजारते हैं और जब विजन देख लेते हैं तो विजन भी कम होता है उसका। तो मैं हैरान रह जाता हूँ, मैं उसे कहता हूँ चश्मे नहीं लगाते, उसने कहा कि लगाए थे बस लाइसेंस के लिए भी लगाए थे लेकिन अभी नहीं लगाते। तो एक चीज़ ये भी है कि कम अज़ कम जो लोग ड्राइविंग करते हैं उसका विजन तो कम अज़ कम ठीक होना चाहिए, क्योंकि वो अपने लिए भी डेंजरस है, अपने से सिवा वो और लोगों के लिए बहुत खतरे का बायस बनते हैं। तो मैं अपने FIO हॉस्पिटल, जो एक मॉडर्न हॉस्पिटल है और हम कोशिश करते हैं कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट हो, और हमारे जो हाइपर पख्तूनख्वा है और इस रीजन का एक नाम बने, कि कम अज़ कम ऑफ्थल्मोलॉजी तो लोग इस तरह कंसिडर करते थे कि बस ये तो एक क्लिनिक होता है या एक हॉस्पिटल में भी एक छोटा सा मुकाम देते, ये तो प्रोफेसर दाऊद साहब आ गए और इसने इसको इतना डेवलप किया कि आज हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि और सूबों से ऑफ्थल्मोलॉजी हमारे सूबे में बहुत ज़्यादा आ गए। और ये जो हमारा हॉस्पिटल है इसका मकसद ही यही है कि ये एक नाम बनाएं, सारे कोऑर्डिनेशन करें, सिर्फ ये नहीं है कि बस पेशेंट आ गया बस आपने नज़र चेक किया, बाकी कोई अवेयरनेस, कोई एजुकेशन, कोई वो ना करें। हम अपनी तरफ से FIO की तरफ से ट्रैफिक पुलिस को बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं और उसकी शुक्रिया अदा करते हैं, और ये बावर कराते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम और भी करेंगे और हम आप लोगों के साथ होंगे। अभी एक और प्रोग्राम भी हमने अरेंज किया हुआ है जिसमें हमने स्पेशली हेलमेट्स हमने डोनेट करने हैं,
और ट्रैफिक पुलिस को हेलमेट इंशाल्लाह डोनेट करेंगे। एक और प्रोग्राम भी है जो हमारे तरफ से है, जो एक मोटिवेशन है, जिस तरह मैंने बता दिया कि एक पेशेंट आया था और मुझे इस तरह इफ़ेक्ट किया कि मैंने कहा कि चलो बस मैं अगर मेरी वजह से या हमारे हॉस्पिटल की वजह से किसी की नज़र बच जाए, किसी की ज़िंदगी बच जाए, तो ये बहुत ही हमारे लिए फ़ख्र की बात होगी। और हम इंशाल्लाह साथ काम करेंगे और साथ रहेंगे। पाकिस्तान पाइंदा।